देखिए ये चक्करदास जो मैं सुना रहा हूँ, ये एक मात्रा से, डेढ़ से, दो से, ढाई से, तीन, साढ़े तीन, चार, साढ़े चार, पांच, साढ़े पांच, इस तरीके से 12 मात्रे में 24, ये चक्करदारों का क्रम। सर्वप्रथम पूज्य नाना जी के द्वारा ही यह क्रम बनाया गया था, उनके श्री चरणों में अर्पित है। सम से, फिर डेढ़ से, दो से, ढाई से, सुने ये क्रमशः। Thank you.
मध्य लय पर कुछ मैं रचनाएं सम से सम तक की सुना रहा हूँ। समय सीमा का ध्यान रखते हुए सज्जनों
सर महोदय की लाइनें हमें स्मरण दिला देती है भाव पक्ष का। भक्ति भाव भादव नदी बढ़ी चली गहराए, सरिता वही सराहिए जो जेठ मास ठहराए। सजनों चार ताल में ही मेरी बातें भी होंगी, जो मैं कहूंगा ठेका नहीं बंद होगा। अब देखिए गजम्पा ताल पंद्रह मात्रे का ठेका बजा के मैं ताल लगा के सुना रहा हूँ आपको राघव वंदना। देखें आप चार ताल की ताल लगा ही रहे हैं और मैं पंचम सवारी पांच ताले लगा रहा हूँ। सुने रामचंद्र रघुवंश मणि तन श्याम परम छवि अनवर नीक सहायक चाप सदा सुमत वनवासी बेसिया मोहत सीतापति राग रघुनायक जग सकल तुम्हें नित नमत मोहे रघुकुल गौरव असुरारी भव बहारी अवतारी मर्यादा पुरुषोत्तम सुर नर मुनि तुम रो भरत ध्यान मेरी भव बाधा हरो प्रभु पूरन कर दो सकल काम हे दशरथ नंद सीतापति श्री राम हे सीतापति श्री राम हे सीतापति श्री राम। आया तीर को साहब वही जो लग जाए। अब देखें ये तो थी शास्त्रीय संगीत की ताल पंचम सवारी गजम्पा ताल। अब हम देश राज्य से निवेदन करेंगे कि देखा है इसमें लोक शैली कहाँ छिपी है। जैसे दूध में घृत छिपा है, वो घृत निकलेगा सज्जनों मंथन करने पर। अब मैं वो तिस्र जाति और चतुस्र जाति सुना रहा हूँ इसी पंचम सवारी में। दादरा और कहरवा क्षमा करें, यही स्तुति है गिल्ले मात्रा। मात्रे में ही निवेदन करनी है देशराज जी। श्री फारूक जी साज बजाते कोई न इनकी सानी, हमको श्रम तो अधिक पड़ रहा शीघ्र पिलाओ पानी। Yeah.
में भी मैं कहरवा का प्रयोग कर रहा हूँ, 7/4 और 4/7 की लय में मिश्र जाति में, वहाँ पर कैसा ये चतुस्र जाति का प्रयोग छिपा है। छंद जिस लय पर है उस पर सुने, मन जाहे राजो मिलहि सोवर सहज सुंदर सावे करुणा निधान सुजान सील सनेह जान दो बोली भाति गौरे असीस सुन सहित ही हर सत्याली तुलसी भवानी पूज पुन मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूज पुन मुदित मन मंदिर चली। एक पावस परम सामायिक खाना ना 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 गारा जी उठे जब घटा गनेरी सावन की मग जोहत बिरहन मन का पे अपने पिए मन भावन की चम 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 चपला चमके चम धमक धमक दा मेरी धमके बरसे मिंगवा तरसे जी रा रो रो सारी रह निकटे रिम जिम रिम जिम बुदिया पर सत पवन बेग जिए जग जोरे जग थले है जग सो जत नाम रे अगर गो अब बर सोरे मन मोहन को घरे आ जाने दो जी घरे आ जाने दो जी घरे आ जाने दो। इसको वादन में ना 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 घर उठे जब घटा घनेरी सावन की मग जो हद फिर हृदय मन का अपने पिए मन भावन की चम 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 चपला चमके धमक धमक धाम चमके घर से मिलवा घर से जीरा बोलो सारी राय निकटे रिम जिम रिम जिम पूजा पर कौन देख ये चोरे जग थल है जग सूजत नामक में घर को मल पर सोरे मन मोहन को घर आ जाने दो जी घर आ जाने दो। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि ऐसे कठिन शास्त्रीय संगीत को आप सरलता से स्वीकार कर रहे हैं, ये आपका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत बड़ा है। सज्जनों, शास्त्रीय संगीत बिल्कुल कठिन नहीं है, ये तो सुनाने वाले पर डिपेंड है। श्रोता हमारा देवता है और हम संगीत के पुजारी हैं, पुजारी को वही पूजा करनी पड़ेगी चाहे मैं देवता प्रसन्न हो। पाठाक्षर होते हैं इसके, सादे थुन्ना इसका का गहरा है। हम बजा रहे हैं, आप लोग तो जानकार हैं चूंकि ये ताल वाद्य का अखाड़ा ही है, पर अन्यत्र जगहों में लोग कह देते हैं कि भाई धगते धगते बजाते रहे, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आया। आप देखें उस धगते धगते का कमाल कि जितने भी स्वर और व्यंजन हैं उन चार अक्षरों में कैसे निकलते हैं। अब मैं कुछ ऐसे शब्द निकाल के सुना रहा हूँ कि पहले पढ़ रहा हूँ कि देख लें कि आप चार ताल में है या नहीं, और फिर मैं वो अक्षर निकाल के सुना रहा हूँ, देखें शायद आपको अच्छा लगे। शिव वंदना,
शंकर सुवन केसरी नंदन शिव वंदना सुना रहा हूं, जिनकी डमरू से इस वाद्य की रचना हुई। पहले पाठ अक्षरों की आप सुन लें, इसके पश्चात देव भाषा में छत्रपति जगतपति देवपति महादेव गले मुंड माल सोबे दूर कर अब देखिए यहाँ लहरा थोड़ी बंद हो जाएगा सारंगी, ताकि अब ये तो आपने जांच लिया कि 12 मात्रे में निबद्ध है, क्योंकि मैंने ताल लगा के ताल वाद्य बजा के और खान साहब के साथ लहरे में सुना दिया। अब इसमें ये अक्षर निकलते कैसे हैं, एक एक वर्ण मैं निकाल के सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ, देखें कहाँ तक आपका आशीर्वाद उसमें मुझे प्राप्त होता है। तिट 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 तगन नगन धिधिड़ान दिगत्तान, दीर्घ लघु का क्रम कैसा होता है, जैसे हमको कहना है पढ़ते भी कि लचक लचक मुख मटक मटक, एक श्रृंगार है नायिका का। अब अगर उसको हम कह दें लचक लचक मुख मटक मटक, तो उसका तो व्यवधान ही, शब्द तो आपने वही कहा पर उसके साथ आपने अन्याय कर दिया, तो जहां वो पुण्यदायी होना था वो कुप्रायश्चित भुगाएगा आपको। तो देखा है आप इसका दीर्घ लघु कैसा होता है, ये गुरु चरणों पर बैठ के ही अभ्यास हो सकता है, बिना गुरु कृपा की तो ये आ ही नहीं सकती कला। तो तिट 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 तगन नगन धिधिड़ान दिगत्तान, धूमकिट तक धूमकिट तक धिकिट तगन धिकिट तगन धिट 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 धिकिट तगन धिट 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 धिकिट तगन। अब देखिए शब्द है छत्रपति जगतपति देवपति महादेव पटेलिया जी, ता है रकार संयुक्ताक्षर है, तो ता में रा लगा है, त्रा कैसे निकलेगा। अगर किसी की जबान स्पष्ट नहीं है और हमें कहना है कि पलनीटकर साहब प्रणाम, पर किसी किसी की आदत इतनी जल्दी बोलने की होती है, ना शब्द सुनने वाला ना पाकार रा सुनने वाला, प्रणाम हो ही गया। तो जब तक उसका दीर्घ लघु क्रम ना होगा, क्षमा करें, तो बोल चाल की भाषा में भी असर नहीं पड़ेगा, संगीत में तो पड़ेगा ही नहीं। तो देखें छत्रपति वही शब्द निकल, छत्रपति जगतपति छत्रपति जगतपति देवपति महादेव। सज्जनों जितने आप यहाँ बैठे हैं, किसी का नाम कितने भी कठिन अक्षरों वाला क्यों ना हो, बाद में आप एक दो नाम बतलाइएगा, मैं हूबहू निकालने का प्रयास करूंगा, दावा नहीं, आशीर्वाद आपका। तो देखें छत्रपति जगतपति देवपति महादेव, तांगड़ तक तिरिकिट तक धिरिकिट तक गले मुंडमाल शोभित है चंद्रभाल, धाकित तक धुमकित तक, अब शब्द है डिमिक डमरू बजत, डिमिक डमरू बजत, और भगवान शंकर की डमरू का नाद निनाद कैसा है। डिमे के डमरू बजत बिगिन हरा, तार दुग दूर कर तिरकिट तक ताना ना धिरकिट तक कतिट तागे ने ग्रगिन तान, शारद ही धरत ध्यान गुण जन सब करत गान, धाकिट तक धुमकिट तक देव साजन पति मृदंग, साजनपति मृदंग राज बजत धिरकिट तक धुमकिट तक धिकिट धान था।
धिरकट तक धुमकट तक धिकट दान था, धिरकट तक धुमकट तक धिकट दान था। अभी हाल ही में अपने मित्र श्री देशराज जी का कार्यक्रम हमारे चित्रकूट में हुआ था, इनका सम्मान भी हुआ था रामघाट में। तो चलिए, इन्होंने एक दोहा कह दिया, मैंने जब ये शिव स्तुति सुनाई तो बोले पंडित जी कि आप अन्य नाम भी निकाल सकते हैं जो संगीत के तिट धिट धग तिट से अलग हो। हमने कहा जैसे, बोले जैसे तीर्थ में बैठे हैं और तीर्थ इसी तीर्थ के कुछ हम नाम गिना दें और आप बारह मात्रे में निबद्ध करके सुना। मैं हमने कहा कहिए दोहा। इन्होंने कहा वो आप सबको मालूम है कि चित्रकूट के घाट में भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसै तिलक देत रघुबीर। आगे की लाइनें जोड़ी गई कि तिलक देत रघुबीर बहे मंदाकिनी धारा, फटिक सिला अनसुईया कामद गिरी है न्यारा। अंजनी नंदन हनुमत धारा गिरत झिरत गिर फूट फूट के, और मत गजेंद्र महाराज नृपत है चित्रकूट के। तो इसको देखिए बारह मात्रे पर, मैं पहले सुना रहा हूं फिर ये इसमें बजा के सुनाऊंगा। नौ दस गेरा बारा ए दो तीन, कोई भी बात ताल और लय से अलग नहीं मैं कहूंगा। बाजी बाखा साहब चित्रकूट के घाट में भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसै तिलक देत रघुबीर। तिलक देत रघुबीर भय मंदाकिनी धारा, फटिक सिला अनसुईया कामद गिरी है न्यार। हनुमत धारा गिरत झिरत गिर फूट फूट, मत गजेंद्र महाराज नृपत है चित्रकूट के। आदरणीय पल्लीटकर साहब के अध्यक्षता में हमारे नाना जी की जन्मोत्सव पर मंदाकिनी तट पर क्या बीच धार में मंच बनवा के आपने कार्यक्रम करवाया था चित्रकूट में गत वर्ष। तो अब देखें आप, अब इसमें भी रकार है। तो चित्रकूट के घाट में भाई संतन की भीड़, केवल आप ताल ले तो मैं करके दिखा गया। अब आप ये देखें कि जो मैं शब्द अक्षर कह रहा हूँ निकल रहा है या नहीं निकल रहा, और है आपका विशुद्ध शास्त्रीय संगीत, चाहे उसे जो कहिए आप। चित्रकूट के घाट में अब हम आपसे निवेदन करें कि आपको नींद आ भाई, आपसे ये हम कहलवा में आप जस लें कि शास्त्रीय संगीत होते तो क्लासिकल आ हो। अरे भैया क्लासिकल का छू बीछी थोड़ी आगे चबाल है, आपका फायदा करे है ये मंगल लोक मंगलवाद है, लोक रंजन के लिए जो संगीत बनाओगो आप ही सबई की देना आप ही के लाने सब करोगो। तो अपनी परंपरा का भैया ना भूलो, ये ध्रुपद शैली पखावज सारंगी लुप्त तो हो रही, अपन सबकी भी जिम्मेवारी है कि इन विधाओं की रक्षा करें। पुनः सुने चित्रकूट के घाट में, आप सब लोग संत है बैठे हैं, ये तीर्थ है भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसाए तुलसीदास चंदन घिसाए तिलक दे तेरा घुबीर। बारह मात्रा है वो आप सबको याद है, मैं अपना धगतिट तगते सुनाई नहीं रहा। तिलक देत रघुबीर बहे मंदाकिनी धारा, फटिक सिला अनसुईया कामद गिरी है न्यारा। हनुमान धारा एक स्थान है, हनुमत धारा गिरत झिरत गिर फूट फूट के, अमृत गजेंद्र महाराज नृपत चित्रकूट के धाम, नृपत है चित्रकूट के धाम, नृपत है चित्रकूट के धाम। तीन चार फिर भैया देशराज जी तो अपने फन के अकेले हैं, नायगांव महाराज साहब को दरबार अलग हो। तो बोले पंडित जी आपने जा दोहा से संबंधित बात तो सुना दी, पर जा दोहा आखिर कीने आ कहो तो रामघाट में। तो हमने कहा यार तुम ही बता दो। बोले जा दोहा कहो तो हनुमान जी ने, अब हनुमान जी तोता को रूप बना के कहो तो,
तो हमारे यहाँ के पक्षी भी संगीत का ज्ञान देते रहे। आज अगर हम उस पर ध्यान नहीं देते तो हम कहाँ के कहाँ जा रहे हैं पाश्चात्य विधा पर। तो देखिए, अब मैं तोता की आवाज में चार ताल सुना रहा हूँ देशराज जी, आपकी उस देखा है आप। तो अब तोता की भी क्या भाषा लैंग्वेज होती है मेरी समझ में, तो चाहे जो जिस क्षेत्र का हो, सभी कोई कहते हैं कि पढ़ो पट्टू चित्रकोटी दूध रोटी। तो अब इसमें भी मैं सुना दूंगा ताल ताल से भी। तो अब वो तोता हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि ये भौतिक जगत में मालिक ने दुआ दी है, इनायत बख्शी है, तो हमें यहाँ आके करना क्या चाहिए। सुनिए जरा आपके भी, चूंकि अब दोनों एक राशि के हैं तो ठीक है। तो राम सीता कहो पट्टू, देशराज जी, राम सीता कहो पट्टू, भजन बिन है नर निखट्टू, जगत है सब लवर सट्टू, असत्य है जगत है सब लवर सट्टू, बांध लोग गल कला बट्टू, संतों के चरणों में जाओ गले में कंठी, बांध लोग गल कला बट्टू, तब जले ही ज्ञान लट्टू, कटुबाद बकवास ना करो क्यों, कि सुनो कट्टू पढ़ो पट्टू चित्रकोटी दूध रोटी। अब आप देखें चार ताल में ही मैं ठेके के साथ कहे दे रहा हूं और फिर निकाल के सुना रहा हूं। समय आपका मुझे ध्यान है, मैं तो जब तक सुनते रहे मैं सुनाता रहूंगा, अन्यथा मेरा समय तो हो चुका। सतगुनी लय पर है, राम सीता कहो पट्टू, भजन बिन है नर निखट्टू, जगत है सब लवर सट्टू, बांध लो गल कला पट्टू, तब जले ही ज्ञान लट्टू, सुनो कट्टू पढ़ो पट्टू, चित्रकोटी दूध रोटी खा, पट्टू दूध रोटी खा, पट्टू दूध रोटी खा। है चार ताल, मनीषी है आप, हम तो बच्चों को भी सुना के ध्रुपद धमार उनको समझा देंगे कि ये है भैया शास्त्रीय संगीत। देखें आप, राम सीता कहो पट्टू, राम सीता कहो पट्टू, भजन बिन है नर निखट्टू। अब देखें आप जगत कैसा है, जगत है सब लवर सट्टू, ध्यान दे, जगत है सब लवर सट्टू, बांध लो गल कला बट्टू, तब जले ही ज्ञान लट्टू, सुनो कट्टू पढ़ो पट्टू, पट्टू 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 पढ़ो पट्टू, चित्रकोट दूध रोटी का, पट्टू दूध रोटी का, पट्टू दूध रोटी का, तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। प्रयास कर रहा हूं, अंजनी नंदन हनुमान जी की जय बोलना चाहता हूं, गुरु चरणों में नमन करना चाहता हूं, और इन्हीं संदर्भों के साथ अपना कार्यक्रम भी संपन्न करना चाहता हूं। आप सबकी आज्ञा अनुसार पहले अंजनी नंदन की वंदना। Thank you.
बल धाम स्वर्ण सहिला वदे हम धनुज बन कृसानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वाने राणाम देशम रघुपति प्रिय भक्तम वाते जातम नमामि रघुपति प्रिय भक्तम वाते जातम नमामि रघुपति प्रिय भक्तम वाते जातम नमामि। आया ठीक देखें आप अतुल्य बल धामम स्वर्ण शैलाव देहम धनुज बने कृसानुम ज्ञानी नामा ग्रगण्यम ज्ञानी नामा ग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम भक्तम निकला रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि संगीत नगरी है। अब मैं इसमें जरूर आप सबको कष्ट दूंगा कि इसमें जहां पर जय बोलना है वहां आप सब लोग भी बोले, पर वहीं पर बोले जहां पर बोलना है।